Hey guys welcome back to the Madrid Pandits our channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas अगर आप इस चैनल पे नए हो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इस वीडियो को तो खासकर जरूर तक देखना एंड तक बिकॉज ये वीडियो काफी स्पेशल है ये वीडियो भी मैंने बहुत मेहनत करी है एंड मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप एंड तक देखोगे अच्छा दो चीजें और थी सबसे पहले तो अब शॉर्ट्स बहुत रेगुलरली आने वाले हैं तो डेफिनेटली चेकआउट करते रहना मेरे शॉर्ट्स को काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है एडिटिंग पर भी थोड़ा काम चल रहा है वो इंप्रोवाइज हो जाएगी उसकी टेंशन नहीं है लेकिन जो कंटेंट है वो काफी इन्फॉर्मेटिव है जैसे को सैक करने की भी दो वजह थी वो क्या थी मैंने उसके ऊपर कल वीडियो बनाया था

क्या इसकी एक पॉसिबिलिटी है भी क्या रिया मरिड उसको लाएगी बिकॉज ही स्टर्न डाउन रिया मरिड वंस एंड द ट्रेन टू मड्रिड ओनली कम्स वंस ऐसा कहा जाता है ऑफनली क्या मड्रिड फिर से अप्रोच करेगी होलियन नागल्समैन को तो सबसे पहले बात करते हैं होलियन नागल्समैन के बारे में ही इज वन ऑफ द आई थिंक फॉर मी द ग्रेटेस्ट यंग मैनेजर राइट नाउ ठीक है ही इज द बेस्ट फॉर मी इट कम्स टू यंग मैनेजर्स बाय मिनिक में ये 2021 सीजन में आए थे जब हंसिब्लिक ने उनको 1920 सीजन में uh, ऑब्वियसली चैंपियंस लीग जिताई थी बुंडेस लीगा जिताया था एंड काफी सारी सक्सेस पाई थी हांसी फ्लिक की बहन में ने, लेकिन उसके बाद एक मैनेजेरियल चेंज होता है बिकॉज उनको जर्मन नेशनल टीम जाना होता है तो ही इज अपॉइंटमेंट यानी कि हुलियन नगर्समैन एज अपॉइंटेड एज द कोच एंड हुन में इन माई ओपिनियन उसने काफी अच्छा काम करा है होफेन हाइम और आरबी लेब्स में भी काफी अच्छा काम किया था बाय मिनी के स्पेल की अगर मैं बात करूं तो यहांटी टू परसेंट विन रिकॉर्ड एट्टी फोर गेम्स मैनेज करे हैं जिसमें से सिक्सटी गेम्स वो जीते हैं डेब्यू सीजन में भी बुंडसलीग का जीत लिया था बाय मिनी के साथ तो काफी अच्छा स्पेल रहा है इन माई ओपिनियन डिस्पाइट लूजिंग रॉबर्ट लेवेंडोस की जो कि सेकंड ऑल टाइम टॉप स्कोरर रफली कुछ उन्होंने रफली कुछ 330 या 40 गोल्स मारे हुए हैं तो उनको हारने के बाद उनको खोने के बाद को प्रॉब्लम्स आनी थी लेकिन क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आई मेरे ख्याल से उतनी नहीं बिकॉज बायन मिनिक अभी भी कंटेंशन में है फॉर ट्रेबल दे आर इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग दे देर द्वार्टर फाइनल्स ऑफ डी एफ बी पोक एंड नाउ दे आर जस्ट वन पॉइंट बिहाइंड बोरिशा डॉटमेंट जो कि कभी भी वो जीत सकता है तो बायन ने सैक क्यों करा होगा

एक मैनेजीरियल चेंज आने वाला है स्पर्स करके वो नहीं पता बट रिया मरिडिटली और एंलोटी डेफिनेटली जो मैरिज है वो ब्रेक अपार्ट होने वाली है बिकॉज एंच विल बी गोइंग टू ब्रेजील एंड रिया मरिड बोट वॉन्टन यू मैनेजर इन द समर तो हुन नैगल्समैन कुड बी द राइट कैंडिडेट एंड पहले तो थॉमस शुगल को टारगेट किया जा रहा था इट विल भी जस्ट लाइक वट हैपन इन द पास पेप गाड़ी डोमिनेटिंग रिया मरिड फिर रिया मेरे जोसे मोरीनो को लेकर आई जिसका जोसे मोरीनो की इंटर मिलान का रिकॉर्ड काफी अच्छा है पेपकी बारसा के सामने यहाँ पर जावी की बारसा है और यहाँ पर होलियन नागलमैन की टीम है हुियन नगरमैन एज अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट जावी एंड वी कैन रन इट बैक बाई गेटिंग हुियन नागर्समैन एंड रिया मरड आई मीन इट कुड बी अ ग्रेट थिंग पहली बात तो हुियन नागर्समैन को अप्रोच किया गया था बाई रिया मरिडेड इन टू थाउजेंड नाइनटीन टू यू नो टू नो अबाउट हिज फिलोसफी वॉट ही हैज टू गेट इन फुटबॉल एंड उसको रफी दो हफ्ते गए थे टू प्रिपेयर फॉर हज इंटरव्यू हुियन लागेमैन ने इस अपॉर्चुनिटी को टर्न डाउन किया था अभी इसके पीछे मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं हुलियन लागेमैन ने इसको टर्न डाउन इसलिए किया बिकॉज पहली बात उनके हिसाब से बहुत जल्दी हो जाता आई थिंक राइट नाउ ही इज द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ ऑल टेम उसका एक विंड रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है उसने ट्रॉफीज भी जीती हैं मोरिशो अपॉर्चुनिटी होगा पीएचडी के साथ तो खासकर विंड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है एंड ना ही उसने ट्रॉफीज जीती हैं अब जिडान की अगर यहां पर तुम लोग बात करोगे ना मैं तुम लोग को पहले ही क्लैरफाई कर देता हूँ दट जिडान विल नॉट जॉइंट रिया मर्डर इट इज लुकिंग वेरी अनलाइकली वे एंड जिस हिसाब से जो चीजें हुई थी जिडान के बीच में और फ्लोरेंटिनो पेरिस के बीच में जिस हिसाब से वो चीजें एंड हुई थी आई डोंट थिंक सो ही विल बी कमिंग बैक बिकॉज ही वॉज नॉट बैक्ड इन द समर मेरे ख्याल से हुलियन नागेजमेन या राहुल आपके दो स्टैंडर्ड ऑप्शन है लॉन्सो को मैं क्लब में इसलिए नहीं लेकर आऊंगा बिकॉज इट विल भी वेरी सून फॉर हम बायर लेबोसन में वो अभी रिसेंटली कोच बने हैं and को वो जरूर जिता रहे हैं लेकिन आई वुड स्टिल वेट फॉर जाबिया कम से कम उसको दो से तीन सीजन और देखना चाहूँगा बिफोर गेटिंग हम टू रिया मेडर बिकॉज दिस विल भी वे वे टू सून हुन नागसमिन की जो कोचिंग फिलोसफी इट इज हेवली ट्रैक्टिकल काफी सिमिलर है टू पेप गार्डियला बेसिकली अगर आप खिचड़ी बनाते हो खिचड़ी में जो गार्लिक का एक पेस्ट होता है वो भी अगर आप डाल दो तो बेसिकली वो है हैुलगर्समैन खिचड़ी आपने वही रखी लेकिन थोड़े बहुत आपने चेंजेस करे हैं अभी किस किस हिसाब आप से आपने चेंजेस करे हैं जो सेटअप है हुियन नागर्समैन के सिस्टम का जिस हिसाब से वो इंप्लीमेंट करता है एंड जो स्पेसिंग है बिटवीन द प्लेयर्स उसका ही फर्क है बाकी सब मोर और लेस सिमिलर ही है ज्यादा डिफरेंट नहीं है पोजिशन रखना हुन नागर्समैन को भी पसंद है अभी डैनी ऑलमो ने अपनी इंटरव्यू में ये चीज कही थी एंड मैं मुझे याद है बिकॉज दो तीन साल पहले मैं हुन नागर्समैन के बारे में पढ़ रहा था तो डैनियलमो ने कहा दैट हियर वी प्ले Close together, we rely on each other so that we can give the game more speed. If we play more spaced out, we can't play as fast as the coach wants us to. That is why we want to play as close together as possible, almost like a five-way side football. Smaller the space, the better because the ball moves faster. We attract more rivals that way. But we need to know how to play under the pressure. If we succeed, we open bigger spaces and we're able to attack with more depth. अभी रियल मार्टिन इस फिलॉसफी में ज़रूर बैठती है, ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होती है एंड थोड़ी फ्रीडम होते हैं प्लेयर्स को, लेकिन प्लेयर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी म एक दूसरे के साथ खेलते हैं एक दूसरे के साथ लिंकअप करते हैं एंड रिया मोड के प्रीवियस कोचेस ने इस बात का फायदा भी उठाया कि हमारे प्लेयर्स स्पेशली द मिडफील्डर्स करी मंजमा लुका मॉडर्स टोनी क्रूस ये सब मिल मिला के काफ़ी टेक्निकली सुपीरियर होते हैं अपोजिशन के इसलिए इनको क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में खिलाया जाता है एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट चांसेस एंड वी स्कोर गोल्स तो इस बात का फायदा हुियन नागस मैन भी उठा सकता है बिकॉज ये फिलोसफी में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देगा एंड दट विल नॉट बी बिग चेंज नॉट अ बिग टैक्टिकल चेंज ड्यूरिंग इस फर्स्ट सीजन आटवीन ने टैक्टिकल रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों दिखाए थे उन्होंने कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट किया था दट वाई सो कॉशियस ऑफ अ टॉप क्लब लाइक बिकॉज इन क्लब्स आपको उतना मौका नहीं मिलता है आपको उतना रिजिड होने का मौका नहीं मिलता है आप नहीं हो सकते उतना रिजिड बिकॉज आपको प्लेयर्स को थोड़ा फ्रीडम देना पड़ता है लेकिन सेकेंड सीजन में ताजुब यह हो गया कि उसने ये खुद मान लिया

एंड फ्रीडम ये बहुत नोटिस पर लोग गया था अंडर जेनेडीन जडानली उनके सेकंड स्टैंड पे ये हमने काफ़ी अच्छे से देखा था इन द ट्वेंटी ट्वेंटी वन सीजन ऑफ रिया मरिड जहां पर जिस तरीके से हम खेल रहे थे जिस हिसाब से आपने पोजिशनिंग देखी होगी एक काफी टैक्टिकली अफ्लुएंट साइड थी वो रिया मरड की लेकिन इस समय रिया मरिड की काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं टैक्टिकली अडेप्ट है कार्लो एन की टीम एंड प्रॉबली दैट इज द रीजन वाई कार्लो एन चलॉटी हैज टू गो इस समय रिया मरिड की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है इस समय हम बस बेनी जूनियर पर रिलाई करते हैं टू यू नो हेल्प रिया मर्रेड ऑफेंसिवली डू दैट ऑफेंसिव वर्कलोड इन ऑर्डर टू विन गेम्स यही हरियाणा का समय सिस्टम है टू रिला जूनियर एंड वो गुड सर आपके आपको दिखा देगा लेकिन क्या यह फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा क्या विनिश्स जूनियर फ्यूचर में सेम हेल्प आएगा इसका आंसर मेरे पास नहीं है बिकॉज वर्कलोड इस समय विनेस जूनियर पर बहुत ज्यादा है एंड आई वोट भी सरप्राइज अगर मेसन माउंट की तरह उसका भी फॉर्म डिटोरिएट हो जाए बिकॉज उस पर उतना वर्कलोड डाला है उतना प्रेशर डाला है वो हर एक गेम खेलता है आपके लिए नाइन्टी मिनट्स फुल ऑन आपके लिए भाग रहा होता है विनेस जूनियर तो यू हैव टू फाइंड अ सल्यूशन फॉर दैट एंड फॉर मी आई थिंक हुन नागर्समैन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज हुनियनियन नागर्समन एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि रिया मरिड में उसका सिस्टम ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है देन कंपेयर टू बाइन मीनिक बिकॉज बायन मीनिक मोर एक हांसी फ्लिकिश टीम है इन द सेंस कि यू नो अल्ट्रा ऑफेंसिव स्टाइल है बायन मीनिक का हमेशा से वही रहा है वो वैसा ही खेलते हैं तो उनको वही सिस्टम ज्यादा सूट करेगा रिया मरिड ऑन दी अदर हैंड वुड वुड नॉट माइंड प्लेइंग ऑफेंसिव पोजिशन ओरिएंटेड फुटबॉल एंड दैट वुड एक्चुअली फिट दैन तो मेरे ख्याल से हुजमैट शुड डेफिनेटली कम टू रिया मरिड इट विल बी मैरिज मेड इन है मतलब मैं ऐसा बोल दूंगा भाई बिकॉज आई जेनवन फील बट रिया मड की बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है रिया मडेट हैव टू गिव होलियन नागर्जमैन टाइम टू इम्प्लीमेंट इम सेल्फ मतलब हम एक बहुत ही लंबे टाइम से एम्बापे से लिंक हो रहे थे ना हम एम्बापे को ही ला रहे हैं बट एम्बापे ऑफ ऑल कोचेस भाई लेजिट होलियन नागर्जमैन इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग ऑफ अ कोच अब आप में से काफी लोग आप में से मे पूछते हो कि रिया मुरुड उसको बैक नहीं करेगी तो क्या हुआ बिकॉज उन्होंने तो जीनेटिन जिडान को भी बैक नहीं किया वो कार्लो एंट्रोडी को भी एक तरीके से बैक नहीं कर रहे हैं तो क्या वो हो, होलियन नागल्समैन को इसी तरीके से बैक करेंगे या वो उनको भी सपोर्ट नहीं दिखाएंगे फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कोट किया था कुछ टाइम पहले दैट वी वुड नॉट बी एबल टू कंपीट एट दिस रेट आई थिंक गेटिंग होलियन नागल्समैन विल गेट यू डायरेक्टली इन टू कॉम्पिटिशन आई टेल यू हाउ स्पेंडिंग बिग इज नॉट ऑलवेज अ सोलूशन हमने पी को देखा है हमने मैन सिटी को दे, देखा है जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू विन अ चैंपियंस लीग स्पेंडिंग बिग इज नॉट द सोल्यूशन ऑल द टाइम केलिन लिए को लाना विल नॉट बी द सल्यूशन ऑल द टाइम आपके पास जो है यू हैव टू वर्क विद दैट एंड गेटिंग अ टैक्टिकल अडेप्ट कोच गेटिंग अ वेरी वेरी मॉडर्नाइज कोच विल हेल्प यू अलॉट भाई मतलब मडरेट को इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा बिकॉज मैन एट टाइम्स वर्क विद वॉट ही हैज

क्या गेजम को रिया मेड ला सकती है इट इज मोर और लेस अफर फिफ्टी फिफ्टी बिकॉज द रियल कैंडिडेट रिया मरड आर ऑल्सो लुकिंग आफ्टर आर राहुल उन्हें लगता है कि राहुल कैन पुल ऑफ अ टू 2.0 क्या वो हो पाएगा उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है क्या राहुल को बैकिंग मिलेगी शायद से शायद से नहीं बिकॉज एक चीज मैंने नोटिस करी है राहुल ने जर्मनी और इंग्लैंड से दो ऑफर्स डिक्लाइन करे हैं दो प्रोमिनेंट कंट्रीज से ऑफर्स डिक्लाइन करे हैं राहुल ने अभी इसके पीछे एक वजह ही होगी बिकॉज ई इज वेटिंग फॉर द रिया मर्ड जॉब एंड उसको मालूम है कि समर में द रिया मर्ड जॉब विल बी ओपन फॉर हिम तो रियामरिड को डिसाइड करना पड़ेगा भाई टू गो आफ्टर अ वेरी टैक्टिकल मॉडर्नाइज कोच और टू गो फॉर वन ऑफ देयर लेजेंड्स लेजेंड फॉर द सीट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम कुर्सी के लिए राहुल ने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है वो प्रैक्टिकली मुन्ना भैया है मिर्जापुर का यानी कि मुन्ना भैया है रियामरिड सिटी का तो एक तरीके से देखना पड़ेगा भाई बिकॉज ऑनेस्टली आई फील राहुल माइट बी द कैंडिडेट जो रिया मरिड अल्टीमेटली चूज करेगी बिकॉज रिया मरिड का यू नो आइडेंटिटी ही वैसा रहा है दैट दे डोंट गो फॉर स्पोर्टिंग सोल्यूशन मैनेजर्स ओफर वर्क विद एंड एट दैट कैन बी प्रॉब्लम जो हमें आप दिख रही है तो देखना पड़ेगा रियामोड किसको अपना सोल्यूशन मान के चलती है बट आई थिंक मेरे लिए एंड से यही रहेगा एक रिजिड अप्रोच को एक प्रैक्टिकली रिजिड मैनेजर को लाके ही आप ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढ पाओगे बिकॉज जब हमारे यंग प्लेयर्स पीक को हिट करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा और तब हम चीजें जीतेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से बट एनी वेज विदीडियो दी एंडो रियाल